का कोई असर नहीं है। और कहाँ के लीडर हैं जो एस्पायर कर रहे हैं? कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, राहुल गांधी हैं जो नेशनली नोन हैं। मैं राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा है आगे, अभी मेरे को क्यों, मैं जब ये नाम सुनता हूँ तो मेरे को गुस्सा लगता है। आई विल नॉट एम्प्लॉय हिम एज माई मैनेजिंग क्लर्क इन माई ऑफिस। Rahul to be the prime minister of this country, thousands of people will migrate from this country. लेकिन मोदी में ऐसी क्या क्वालिटी आपने देखी कि आपको लगा कि हाँ भाई ये? Now that's a fair question to ask. Now please, I'll tell you the answer to that question. Today, according to me, the greatest problem before India, इंडिया के सामने एक ही प्रॉब्लम है बड़े में बड़ा, वो है पॉवर्टी। और मेरा ये विश्वास है कि हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस बताते हैं। वी आर अ रिच कंट्री, मगर हमारे जो लीडर्स हैं वो डाकू हैं, चोरी किया है। 1500 billion dollars of Indian money has been stolen by these dacoits and stashed in foreign bank accounts. अगर वो पैसा मिले हिंदुस्तान को, लेके आए कोई, बांटो वो गरीबों में, एक एक हिंदुस्तान के परिवार को 3 लाख रुपया मिलेगा। और आज ये फूड सिक्योरिटी बिल पास कर रहे हैं। अच्छा, नाउ प्लीज गो फर्दर। टुडे वी नीड अ प्राइम मिनिस्टर who is fiscally honest, जिसमें पैसे की लालच न हो और रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम जिसके ऊपर कोई भी आंगुली नहीं उठा सके। According to me, Modi is that person. I compare him with every other aspirant, and all aspirants can't claim fiscal honesty. लेकिन राम साहब, जिस आदमी को आप एक बार मिले डेलीगेशन में, जिससे आपने कभी बगैर जान पहचान के आप, I meet you so rarely, but that doesn't mean that I don't know about you. क्या? Don't say that. I know, and listen, believe you me, today my experiences, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, कॉलेज के बाहर हूँ, कोर्ट के बाहर हूँ। अरे साहब, मोदी को लाते हो जरूर। This is the feeling in the people's mind today. Modi has become the idol of the people. लेकिन वही मोदी है जिसके बारे में कांग्रेस कहती है कि वो देश को बांट देंगे, वो सांप्रदायिक हैं, वो उनकी इमेज है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कांग्रेस ही है। जो हिंदुत्व की बात करता है वो सेक्युलर नहीं है। दिस इज टुडे द कांग्रेस प्रोपेगेंडा एंड द प्रोपेगेंडा ऑफ मेनी पीपल, मेनी पार्टीज हु हैव देयर ओन नोशंस अबाउट सेक्युलरिज्म। आई एम द लॉयर who have fought the case in the Supreme Court, and the Supreme Court, I got a judgment from the Supreme Court that Hindutva is the core of India's constitution. Hindutva Hindustan ke संविधान का एक अमृत है, एक एलिक्सर है उसका। टुडे कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है तो बोलते हैं ये कम्युनल है। कांग्रेस ने सबको सिखा दिया है कि तुम बड़े क्रिस्तान रहो, मुसलमान रहो, मगर हिंदू जगह से कहे कि मैं हिंदू हूं तो ये कम्युनल। दिस इज द फ्रॉड व्हिच इज बीइंग प्लेड। लेकिन